एक डोकरी खेड़ा जलाशय में एक जो कमांड इलाका था वहाँ के किसानों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि लगभग वहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुँचता है, इतने इतने जल्दी इतने पास में जलाशय, उसके बाद भी वहाँ के किसान प्यासे थे। तो इस योजना के माध्यम से लगभग 2940 हेक्टर रबी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसमें भी लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और ये हालांकि बहुत छोटी योजना है पर किसानों की बहुत पुरानी मांग थी और इसमें लगभग 3000 हेक्टर भूमि सिंचित होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आप सभी जानते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं, तो एक पीतमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है जिसकी लागत लगभग 1111 करोड़ है। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार की राशि 353 करोड़ है और बाकी एंटरप्रेन्योर इसमें जो लगाएगा उस 758 करोड़ रुपये लगाएगा। इसमें तीनों ही प्रकार की सुविधा, ड्राई पोर्ट है वहाँ पर रेलवे के माध्यम से भी आवागमन होगा और एक बहुत वृहद लॉजिस्टिक पार्क बनने वाला है जिससे हमारे औद्योगिक संस्थानों को वहाँ पर बहुत लाभ होगा और लगभग इसमें 4500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये एक मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी महती भूमिका अदा करेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर इसका डेवलपमेंट ये मतलब सुपरविजन तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे पर इसमें पीपीपी मॉडल पर है एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसमें 758 करोड़ रुपया इसमें जो भी इन्वेस्टर